बच्चों आज हम बात करेंगे आदिकाल के साहित्य की एक प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य पर। जैसा कि हमने बताया था कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, ये तीनों साहित्य आदिकाल में रचे गए। तो आज बात होगी सिद्ध साहित्य की, जो कि बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार के लिए लिखी गई थी। ये वही साहित्य है जो कि जन भाषा में लोगों ने लिखा था, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उन लोगों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व को लोगों के बीच प्रचार करने के लिए, उसे लोकप्रिय बनाने के लिए जन भाषा में लिखा था, उसे ही हम कहते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य को कहा गया है कि इसमें 84 संख्या थी सिद्धों की, और ये 84 संख्या वाले जो सिद्ध थे, इनका समय रहा है 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक। और ये जो सिद्ध साहित्य था उसमें योग को, जादू मंत्र को, इत्यादि चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो भी लोग इसमें सम्मिलित थे वो श्रृंगार और शांत दोनों ही रस का सम्मिश्रण करते थे, और राग और रागिनियों के द्वारा आराधना करते थे और लोगों तक अपने धर्म की बात पहुंचाते थे। ये सारे जितने भी 84 सिद्ध थे वो अपने नाम के साथ पा जोड़ते थे, जैसे कि सरहपा। सरहपा को सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो जितने भी नाम आप ऐसा सुनेंगे सरहपा पा करके, वो सारे जो है वो सिद्ध साहित्य के कवि हैं, लेखक हैं। इन जो ये जो साहित्य रचा गया इसमें शास्त्रीय चिंतन पक्ष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, बल्कि ये लोग साधना पर ज़्यादा बल देते थे। साधना मतलब क्या? योग करना, तपस्या करना, जादू मंत्र के द्वारा किसी सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करना, ये सारी बातें सिद्ध साहित्य में ज़्यादा दिखाई देती हैं। ये लोग अध्यात्म को, पूजा को, और चिंता और चिंतन को, इस तरह की बातों को बहुत ज़्यादा अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। उसके बाद था कि इनकी जो साधना थी, इन्होंने रूढ़ियों का खंडन किया। जो भी परंपरा हमारे धर्म में चलती आ रही थी, जो भी रूढ़ियाँ थी, जो भी रूढ़ी मतलब कोई ऐसा विचार जो बिल्कुल ही जम जाए आपके मन मस्तिष्क पर, जिस जन समाज जो है, समुदाय जो है, वो उससे अलग कुछ सोच ना सके, बिल्कुल रूढ़ी की तरह वो उसके दिमाग में फीड हो जाए कि हमें ऐसा ही करना है। तो इस तरह की सोच का ये सिद्ध साहित्य और इससे जुड़े हुए जो सिद्धि प्राप्त लोग थे वो खंडन करते थे। दूसरी बात कि इन्होंने पूजा पाठ में आडंबर का भी विरोध किया। मंदिरों में जाना, मूर्ति पूजा करना, और बहुत सारे कर्म कांड करना, इस तरह की चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे और इस पर विश्वास भी नहीं करते थे। तीसरी बात थी कि इन्होंने ब्राह्मणत्व को स्वीकार नहीं किया। इनके कहने का मतलब था कि जो लोग भी बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं उनके लिए जाति का कोई बंधन नहीं है, ईश्वर के दरबार में सभी समान हैं। तो ये लोग ब्राह्मणत्व को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, और ये दिखावा में भी यकीन नहीं करते थे, और ना ही ये शास्त्रीय चिंतन को मानते थे। इनकी पूजा, इनकी आराधना थोड़ी सी परिवर्तनशील थी, लचीलापन था उसमें, और ये हमेशा साधना पर बल देते थे, और साधना में तंत्र विद्या जो थी, तंत्र विद्या मतलब मंत्र और तंत्र से किसी को वशीभूत कर लेना, किसी के दुख को दूर करने का प्रयास करना, तो तंत्र साधना में सिद्ध साहित्य के लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। आध्यात्म पर, पौराणिक कथाओं पर, शास्त्रीय चिंतन पर इनका विश्वास नहीं होता था। तो ये दो तीन बातें जो याद रखनी है वो ये है याद रखने की कि इन्होंने जिस भाषा में रचनाएं की, अपनी काव्य रचना जो की, वो जनभाषा थी। 84 सिद्ध थे, ये हमेशा ये प्रश्न वैकल्पिक आता है, वस्तुनिष्ठ में आएगा कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। तो ये 84 सिद्धों की संख्या थी, ये याद करने की बात है। इनका समय 797 से 1257 ईस्वी है, ये बात याद करने की है। और सिद्ध साहित्य की मूल प्रवृत्तियाँ क्या थी? तो रूढ़ियों का खंडन करते थे, आडंबर का, बाह्य आडंबर का विरोध करते थे, और ब्राह्मणत्व का भी ये विरोध करते थे। तो ये दो तीन बातें जो है वो सिद्ध साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण है, जो आपको याद करने की है। जब भी सिद्ध साहित्य पर कोई लघु टिप्पणी लिखने को आएगा तो ये सारी बातों की चर्चा अनिवार्य रूप से आप करेंगे। धन्यवाद।